इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नया सामान रखा है इसमें, फ्रिज रखा है सारा, सब कुछ नया सामान रखा है, फ्रिज सब रखा है इसमें, LCD वगैरह सब लगी हुई है। बिजली का कनेक्शन वगैरह भी हो रहा है इसमें, वो तो काम कटवा दे यार, नंबर इनका नंबर नहीं है क्या यार? दोगे आपका रिक्शा वाला देगा। तुम मुझे बता दो कि किसने तोड़वाया था, ये तो बता दोगे तुम? ने भाई ओमबीर ने तोड़वा, और ओमबीर ने जेसीबी मंगवा का तोड़वा है, और कौन है? बस मुझे अकेले था, और कौन था वहां पर? संदीप था। संदीप और बस तीन चार देने थे ना तुम, जो सामान वामान भर के ले जाते थे। कर्मचारी तो सारे थे। कर्मचारी का नाम क्या? कर्मचारी का नाम तो बताऊंगे तुम्हें, कर्मचारी जो यहाँ मौजूद होंगे, मैं थे राजेश था, मैं तो अचानक आया पूरा। अच्छा, और संदीप वगैरह बहुत सारे कर्मचारी, मैं अकेला थोड़ा ही था। अब फोन नहीं उठा रहे तो मैं क्या बताऊंगा? जीबी थे सामान भरने के लिए, कोई सर बोल रहे थे तुम, उन्होंने एक्शन लिया था ये तोड़ने के सामान, एक बार बताओ तुम्हें सामान उठवाने के लिए किसने कही थी? लिया था ये तोड़वाने के लिए सामान, के बाद ये सामान उठवाने के लिए किसने कही थी? मैंने बोला था कि ये सामान रिक्शे में भरवाओ। उसके बाद चोरी करने के लिए किसने बोला कि चार से डब्बी चोरी कर लो? दारू भी रखी है ना, दो रैक पे चार पाँच। ना ना ना, अरे नहीं मानना क्यों भाई? अभी फिर चार डब्बी के लिए किसने बोला? किसी ने बोला था? नहीं बोला नहीं। तुम्हारा मन था, तुमने चोरी करी, उसके मैं पैसे देने को तैयार, हमें जरूरत नहीं पैसे देने की। अब आराम से चार की जगह छह ले लो, रजनीगंधा खाओ यार, तुम पूरे रात यहीं बैठो आराम से, बात खत्म। जिप पर लो तो जिप, जैसे कि आप बता रहे आपने प्रधानमंत्री लोन लिया था, उसके साथ आपने बूथ चालू किया था, तो क्या हुआ था उसमें? उसमें ये हुआ था कि मैंने ये चालू करा तो मुझे सहायता मिली, मैं अपना जीवन इससे अपना चला रहा था, अपना जीवन अच्छे से गेम्स खेल रहा था, इसकी सहायता से अच्छा कर पा रहा था, अपने लिए, अपने स्टेट के लिए, यूपी स्टेट के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं अभी, ठीक है, और अच्छा करने की कोशिश थी। पर ये नगर निगम के सुपरवाइज़र ओमवीर मेरे से पैसे मांगते हैं। ओमवीर ने पैसे मांगे थे आपसे? हाँ, मेरे से महीने के 300 रुपये लेके जाते हैं, और पैसे मांग रहे थे, ना देने पर उन्होंने मेरे पीछे से आके सूचित ना करके मेरे को, मैं था नहीं शॉप पर, शॉप बंद थी, आकर इन्होंने मेरी शॉप तोड़ दी जेसीबी ला। आपने इनसे पूछा नहीं कि आप पैसे किसी के ले रहे हो? मैंने पूछा तो ये बोल रहे कि नहीं, मेरे को धमका रहे थे फ़ोन करके कि आपको गवर्नमेंट रेट पर जब कुछ ज़्यादा ही पैसे दे रही है ना, करा आप ज़्यादा वो बन रहे हो अपने आप को। मैंने कि मैं क्या बन रहा हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपना जीवन चला रहा हूँ, इससे गेम ही तो खेल रहा हूँ अपने। तो आपने आपने इसकी शिकायत करी थी कि नगर आयुक्त से? मैंने नगर आयुक्त से पहले भी शिकायत करी थी जब इन्होंने मुझे परेशान करा था, उसके बाद इन्होंने मेरे को परेशान करना बंद कर दिया था। अब इन्हें मौका मिल गया एक दिन कि मैं दुकान पे नहीं था तो इन्होंने आकर मेरी दुकान तोड़ दी वहाँ पर। तो नगर आयुक्त से आप मिलने गए थे, मिले उनसे? मैं नगर आयुक्त से मिलने गया हूँ, मैं 8 तारीख को, इन्होंने जब ये बूथ तोड़ा है मेरा, मेरी दुकान तोड़ी है, तो मेरे को 9 तारीख को नेशनल गेम्स के लिए गोवा जाना था। 9 जनवरी को? 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को मैं गोवा गया था, तो गोवा से मैं आया 15 को, मैं 16 तारीख से नगर आयुक्त साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं वो मेरे को मिल नहीं पा रहे हैं ऑफिस में। डेली फ़ोन करता हूँ, वो कहते हैं कि उनके जो पीए हैं वो डेली कहते हैं कि आज बैठेंगे साहब, आएंगे तो हम बताएंगे, पर 16 तारीख से आज 24 तारीख हो गया, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ। आपका कहना यह है कि 16 तारीख से लेकर आप नगर आयुक्त जी से मिलना चाह रहे हैं और वो टाइम नहीं दे रहे हैं, कि उनका पीए बता रहा है कि वो ऑफिस में नहीं है, कभी बाहर है, इस तरह से कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज भी उनके ऑफिस गया था,
मैं खुद जाकर देख के आऊँ, वो आज भी ऑफिस में नहीं थे। मैंने उनसे फ़ोन करके भी रिक्वेस्ट भी करी कि सर मुझे 10 मिनट दिलवा दो, मैं कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहता उनका, मेरी हेल्प करो, मेरे को बड़ी मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मैंने जो प्रधानमंत्री फंड से जो पैसा मिला है, मैं उस पैसे को कैसे वापस करूँगा गवर्नमेंट को? अगर मेरी दुकान ही नहीं है, मैं कमाऊँगा ही नहीं, अगर मेरा जीवन ही उससे चल रहा था, सब चीज़ हो रही थी, तो मैं कैसे करूँगा वो पैसा वापस? नगर निगम का ऐसा प्रताड़ित व्यक्ति सामने है जो बेचारा विकलांग है, उनका कहना यह है कि नगर निगम ने उनको इतना परेशान कर रखा है कि उनका जो नगर निगम से विकलांग बूथ पास किया गया था, आज उस बेचारे विकलांग को उसके बूथ को तोड़ दिया गया है और विकलांग की मानसिकता इतनी आहत हुई है। वो विकलांग जो पैरा एथलीट देश के लिए नेशनल लेवल तक खेल चुका है और अभी इटली भी खेलने जाने वाला है, उनका कहना है जो उन्होंने प्रधानमंत्री सहायता के अकॉर्डिंग मुद्रा लोन लिया था जिसमें से उनको सब्सिडी मिली, और वो लोन उनका लेने का मकसद सिर्फ यही था कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन उनका आरोप है नगर निगम के सुपरवाइजर पर जो वैशाली क्षेत्र से हैं, जिनका नाम ओमवीर बताया जा रहा है। ओमवीर के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। दीपक जो एक पीड़ित पर्सन है, उनका कहना यह है कि ओमवीर ने उनसे पैसे मांगे थे, लेकिन पैसे ना देने की वजह से ओमवीर ने मिलकर औरों के साथ उसके बूथ को तोड़वा दिया, जैसे भी बुलाकर। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी योगी जी का कहना है कि किसी भी गरीब को परेशान नहीं किया जाए, उसके आश्रय को तोड़ा नहीं जाएगा, पहले उनको सूचना दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर पीड़ित दीपक का कहना यह है कि मुझे किसी भी तरीके की कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही मुझे बताया गया इसके बारे में। उनका कहना यह है कि वो बार बार नगर आयुक्त जी से मिलने के लिए कह जाते हैं, फोन पर बात करते हैं, तो उनको डेली टाल दिया जाता है, गुमराह किया जा रहा है। तो ऐसे आरोप नगर निगम का कब तक लगते रहेंगे? आखिर नगर आयुक्त क्यों नहीं मिलना चाहते विकलांग से? इंडियन टीवी न्यूज की टीम से जितेंद्र कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।